अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ एट योर होम्स। आई एम टीचर तैयबा, योर इंग्लिश टीचर। वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 53। यस्टरडे वी डिड द लर्निंग टू राइट द टॉपिक अबाउट द फेवरेट सीजन। ओके, वी हैव रिटन अ पैराग्राफ अबाउट द फेवरेट सीजन एंड टूडे वी आर गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ टू डिस्कस अबाउट द पैराग्राफ इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। इस ये अब जो आपका जो है आज का टॉपिक, इसको पहले रीड आउट करते हैं कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन योर नोटबुक। यू मे यूज़ अ गिवन वर्ड बैंक। अब जो उन्होंने हमें कुछ वर्ड बैंक दे दिए हैं, ठीक है, इन वर्ड्स को अपने जहन में रखते हुए हम लोग सेंटेंसेस राइट करेंगे, ठीक है। लाइक नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ सकता है, हमारी ज़मीन है, अर्थ है, ठीक है, हमारे प्लांट्स हैं, वाटर है और एयर है, ये सब नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। ये सारे सब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मिलकर हमारा एक माहौल क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो आपने जो है इन पॉइंट्स को लेना है और एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, 10 सेंटेंसेस का बच्चों मिनिमम 10 सेंटेंसेस होने चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट में जो है आपका टॉपिक सेंटेंस है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टॉपिक सेंटेंस अर्लियर इन द प्रीवियस क्लासेस दैट टॉपिक सेंटेंस इज़ द सेंटेंस वेयर यू एड योर टॉपिक, ठीक है। मीन्स के टॉपिक सेंटेंस हमेशा पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है जिसमें आप लोग अपने आपका जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हो। मीन्स के एज़ इट इज़ वो वर्ड्स जो टॉपिक्स के हैं वो अपने पहले सेंटेंस में लेकर आते हो। जिस तरह ये नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो आप पहली लाइन नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में लिख सकते हो कि ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों आप लोग अपने नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस पे जाओगे और उसमें आप बताओगे कि मैं बहुत सारे सोर्सेज हैं नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरली प्रोवाइड किए हुए हैं, और वो कौन कौन से हैं, अर्थ, प्लांट, वाटर, एयर एट्सेट्रा, ठीक है। और जो है अब आप बताओगे कि अर्थ जो है ये किस तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। ज़ाहिर है ज़मीन तो अल्लाह ताला ने पैदा की है, ठीक है, और इंसान ने तो ज़मीन को नहीं ना बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया है। तो आप लोग अर्थ के बारे में 2 सेंटेंसेस एटलीस्ट लिख सकते हो। पहला सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा, नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस आप लोग अर्थ के अबाउट लिखोगे, देन 2 सेंटेंसेस प्लांट, देन 2 सेंटेंसेस वाटर, देन 2 सेंटेंसेस अबाउट एयर, ठीक है। और फिर लास्ट वाला आपका एंडिंग सेंटेंस हो जाएगा, क्लोजिंग सेंटेंस। तो अर्थ के बारे में आप लोग 2 सेंटेंसेस लिख सकते हो कि अल्लाह ताला ने जो है ज़मीन किस लिए बनाई थी, कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, और अब ये किस हालत में है और हमें इसको किस तरह से बेहतर बनाना है, और प्लांट्स, ठीक है, कि ये भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं और ये हमें क्या देते हैं, ये हमें रिलीफ देते हैं, ठीक है, फ्रॉम आवर मिजरीज, ठीक है, आवर पेन, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने चाहिए, और आजकल प्लांट जो हैं वो बहुत कम मिकदार में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, स्पेशली इन पाकिस्तान। इसी तरह वाटर जो है ये समुद्रों से हमें मिलता है, ठीक है, और क्योंकि नेचुरल जो आर्टिफिशियली तौर पर आर्टिफिशियली जो है वो वाटर क्रिएट किया जा रहा है, वो ट्यूबवेल्स लगा के किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का को डिस्कस करना है तो इसमें ओशंस आ जाएंगे, सीज आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें वाटर को आपने कहना है, आपने डिस्क्राइब करना है कि हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, और हम किस तरह इसको सेव कर सकते हैं, इसको जो है हम लोगों ने ज़ाया होने से कैसे बचाना है। इसी तरह फिर बच्चों आप लोग एयर को डिस्क्राइब करोगे, ये भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। अगर हवा नहीं होगी, हवा क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, तो ये भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया। मीन्स के ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो उन चीज़ों से मिलकर बन रहा है जो अल्लाह ताला ने हमें एज अ ब्लेसिंग प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो हमने इनको सेव करना है, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना, ठीक है, ताकि हम लोग अपनी जो है लाइफ अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकें। और एंड पे बच्चों आप लोग कंक्लूजन लिखोगे, एंडिंग सेंटेंस लिखोगे, ठीक है, कि हमें इन सारे ब्लेसिंग्स को जो है वो सेव करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना। इस तरह बच्चों आप लोग 10 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिखोगे अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।